तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है इकोनॉमी की एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे चैप्टर टू, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो चुका है, उसके बाद चैप्टर टू आ रहा हमारा है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। इसमें ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्लस इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हैप्पीनेस वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। तो ये इसकी वीडियो वन है हमारी, ठीक है। चैप्टर पार्ट 7 हमारा इकोनॉमी का है, चैप्टर टू की वीडियो वन है, ठीक है। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है। नीचे एक लाल बटन होगा, उसको दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या कह रहा है, सीधा सीधा आप ये समझिए कि इंट्रोडक्शन हमारा कह रहा है कि सिमिलर टू सीड्स एंड फिलोसफर्स, इकोनॉमिस्ट वर ऑल्सो पार्टी टू ह्यूमन क्वेस्ट फॉर अ बेटर टुमारो। वो सीधा सा इतना कह रहा है कि ये जो टॉपिक आया है निकल कर, वो सिर्फ इसलिए आया है कि वो ह्यूमंस का बेटर टुमारो कैलकुलेट कर सकें, देख सकें, एनालाइज कर सकें, ठीक है। सिर्फ इतना सा है कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, और ह्यूमंस में कितना डेवलपमेंट आया, उनके लाइफ ऑफ जो लिविंग लाइफ है उसके लेवल्स में, ठीक है, क्या अंतर आया है, ठीक है। सिर्फ इसीलिए ये चैप्टर है हमारा, तो वही हम देखेंगे, ठीक है। अब बात करें प्रोग्रेस, ठीक है। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोग्रेस नॉर्मली एक जनरल टर्म होता है, ठीक है। प्रोग्रेस इज अ जनरल टर्म फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एक्सपर्ट टू डिनोट बेटरमेंट ऑफ और इम्प्रूवमेंट इन एनीथिंग, ठीक है। प्रोग्रेस एक सीधा सा एक जनरल वर्ड है जो किसी भी चीज़, हमारी कोई टॉपिक हो सकता है, कोई लेवल हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, या कोई इंसान हो सकता है, या हमारा हमारे मार्क्स हो सकते हैं CGL के, जब उसमें कोई बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट होता है तो हम उसको प्रोग्रेस कहते हैं। मान लीजिए जैसे आपने CGL में पिछली बार आपने 130 गेन किया और इस बार आपने 150 गेन कर लिया, तो आप में इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है, तो वो प्रोग्रेस कहलाएगी, ठीक है। और इकोनॉमी में, इन इकोनॉमिक्स द टर्म वॉज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू शो द पॉजिटिव मूवमेंट इन द लाइफ ऑफ पीपल एंड द इकोनॉमी। तो वो यही कह रहा है कि और इकोनॉमी के अंदर जब कोई लंबे वक्त में कोई पॉजिटिव मूवमेंट होता है लाइफ ऑफ पीपल और इकोनॉमी में, तो उसको प्रोग्रेस कहते हैं। जैसे हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है या फिर हमारा GDP है, वो पॉजिटिव में गया, इंक्रीज हुआ, तो वो हमारा प्रोग्रेस कहता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोग्रेस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, वो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मेन पॉइंट शुरू हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कह रहा है, इट टर्म कमिंग फ्रॉम द लाइफ साइंस ग्रोथ मींस इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा टर्म आया है वो हमारा लाइफ साइंस से आया है, ग्रोथ से, और इसको हम इसमें क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो चीज़ होती है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ और वेरिएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। वो ये कह रहा है कि एक टाइम पीरियड के अंदर, कि मतलब मान लीजिए एक साल के अंदर हमारी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई या कितनी प्रोग्रेस हुई, ठीक है, वही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या हमारा प्रोग्रेस हो रहा है पूरी इकोनॉमी में, सिर्फ क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज भी क्या प्रोग्रेस हो रहा है। पर आपको ये समझना होगा कि जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड होती है, ठीक है, ये सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड है, ठीक है। ये आपको बताऊंगा आगे क्या अंतर है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ आपने पढ़ लिया, डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स लाइक क्वालिटी ऑफ लिविंग, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो हमारा जो ग्रोथ था वो सिर्फ ये देख रहा था कि भाई 100 आदमियों में टोटल कितना हमारा ग्रोथ हुआ, ठीक है। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहता है कि 100 में से टोटल कितने लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हुई है, ये नहीं कि टोटल 100 का, वो हर एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, ठीक है, वन बाय वन लेके चलते चलता है। तो ये हमारा डेवलपमेंट और हमारा ग्रोथ में अंतर। ग्रोथ क्या है, मान लीजिए जैसे हमारा टोटल नेशनल इनकम है हमारी, वो या जो हमारी वो होती है पर पर्सन इनकम जो होती है हमारी, ठीक है, वो ही हमारी मान लीजिए एग्जांपल ले लेंगे कि मान लीजिए हमारी टोटल ईयरली हुई 20,000, ठीक है। पर क्या हर कोई साल में इतना कमाता है, मजदूर नहीं कमाता, ठीक है, ये ओवरऑल ले ली, ठीक है, सबका एवरेज निकाल दिया, इतनी आ गई, पर क्या रियल में ये है, नहीं है। और डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट ये होगा कि कितना रहन सहन उनका बढ़ा है, ठीक है, कितने लोग झोपड़ी में रहते हैं, कितने लोग कमा रहे हैं, विलेजर्स कितने कमा रहे हैं, रूरल कितने कमा रहे हैं, तो सारे एस्पेक्ट्स लेगा वो, ठीक है।
तो वो हर एक चीज पे ध्यान देगा, मतलब 360 डिग्री काम करता है वो सिर्फ, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी देख ली कि भाई 1000 लोग, क्वालिटी पे भी वो फोकस करता है डेवलपमेंट हमारा, ठीक है। तो अब ये चीज आपको याद रखनी है, एक नोट ये मैंने भी लिखा है कि जो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हायर इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं कि हमारी अगर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो हमारी हायर डेवलपमेंट, हायर इकोनॉमी डेवलपमेंट भी हो। उसका कहने का मतलब ये है कि हमारी मान लीजिए ग्रोथ हमारी ऊपर की तरफ जा रही है तो जरूरी नहीं कि हमारा डेवलपमेंट भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है नीचे की तरफ जा रहा हो, ठीक है, कि 10 आदमी तो करोड़ों कमा रहे हैं पर बाकी के 50 1000 पे अटके हुए हैं, ठीक है, ये भी तो हो सकता है, पर एवरेज तो बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे हमारे इंडिया में है कि हमारे टॉप 60 जो होते हैं वो हमारी टोटल इकोनॉमी का 50% कमाते हैं, ठीक है, अंबानीज वगैरह जो हैं, तो ज़रूरी नहीं है। पर अगर हमारी ग्रोथ ऊपर जा रही है या हमारा डेवलपमेंट ऊपर जा रहा है तो हमारी ग्रोथ को ऊपर जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो ग्रोथ हमारी ऊपर जाएगी तभी डेवलपमेंट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रोथ ऊपर जाए तो ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट ऊपर जाएगा, पर अगर डेवलपमेंट ऊपर जा रहा तो ग्रोथ हमेशा इंक्रीज करेगी, ठीक है। और इसके अंदर ही 3 केसेस भी होते हैं इसके। अब कौन कौन से 3 केसेस हैं, देखिए ये 3 केसेस हैं कि हायर ग्रोथ होगी तो हायर डेवलपमेंट होगी पहला केस, ठीक है, हायर ग्रोथ तो लोअर डेवलपमेंट भी हो सकती है, जो मैंने आपको बताया कि कभी कभार नीचे जा सकती है डेवलपमेंट वाली। एक केस ये है कि लोअर ग्रोथ और हायर डेवलपमेंट, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है हमारा, क्योंकि अगर हमारी लोअर ग्रोथ जा रही है तो हायर डेवलपमेंट हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हमारा हायर डेवलपमेंट जा रहा है तो हमारी ग्रोथ भी ऊपर जाएगी, ठीक है, तो अगर ये लोअर ग्रोथ हमारी ऊपर नीचे आ रही है तो हमारा ये भी नीचे आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा लोअर ग्रोथ, लोअर डेवलपमेंट, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारी ग्रोथ नीचे जा रही है तो हमारी डेवलपमेंट हमारा जो है अगर नीचे जा रहा है तो हमारी ग्रोथ भी नीचे जाएगी, ठीक है। अगर ये हमारा डेवलपमेंट जो है वो हमारा नीचे जा रहा है तो हमारी ग्रोथ भी नीचे जाएगी, पर अगर हमारी ग्रोथ ऊपर जा रही है तो ज़रूरी नहीं कि हमारा डेवलपमेंट भी ऊपर ही जाएगा, ओके। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, पता है क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव प्रोग्रेस। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ध्यान देता है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले बनते हैं इसके हमारे ग्रोथ के और डेवलपमेंट के, तो वही जो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हमारा क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है हमारा कि क्या हमारा क्वांटिटी बेस्ड है, क्या हमारा क्वालिटी बेस्ड है, हायर ग्रोथ क्या होती है, हायर डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट ये दोनों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इन्हीं पर बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मीजरिंग डेवलपमेंट। मीजरिंग डेवलपमेंट क्या कह रहा है हमारे कि इंटरनेशनल बॉडीज सच एज UNO, IMF, WB वर कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कंपैरेटिवली अंडर डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या कह रहा है कि जो हमारी तीन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं UNO, IMF एंड WB, ये हमारी हमेशा कंसर्न करती हैं किस पर, डेवलपमेंट जो हमारा हो रहा है, जो हमारे अंडर डेवलप्ड, जो हमारे मतलब डेवलप्ड कम, जो हमारे डाउन लेवल वाले कंट्रीज हैं उन पर फोकस करती है किस चीज़ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी वाइज नहीं क्वालिटी वाइज भी, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है, ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो मेन पता है इन डेवलप कंट्रीज़ को डेवलप और करने के लिए, जो अंडर डेवलप्ड हैं, दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो दो प्रॉब्लम कौन सी हैं हम उस पर ध्यान देंगे। तो जो हमारी जो दो हमारी जो सबसे ज़्यादा बेसिक डिफ़िकल्टीज़ हैं वो है, पहली तो ये कि मैनी लेवल टू एग्जामिन, बहुत सारे लेवल्स होते हैं एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें फोकस करने के लिए, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारा सामान है तो आपको उसे शिफ्ट करने में या लगाने में, ढंग से सेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो वही बात है कि देखिए क्वालिटी ऑफ कंजप्शन भी हमें ध्यान रखना है, हेल्थ केयर ध्यान रखनी है, न्यूट्रिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लिटरेसी, एजुकेशन, इसमें आप ट्रांसपोर्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन भी लगा सकते हैं, कई सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं यहाँ पे आप,
सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हर एरियाज पे ध्यान देना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा है हमारा, ठीक है, एग्जामिन टू क्वालिफाई क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स बोथ। ठीक है, प्लस उन्हें सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, ठीक है, उन्हें क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो उन्हें सिर्फ ये नहीं कि हाँ भैया हमने इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, दस दस खड़ी कर दी, पंद्रह खड़ी कर दी, या पानी ढेर सारा लिया है, उनकी क्वालिटी पे ही फोकस करना पड़ेगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो ग्रोथ कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, नहीं कर रही। ठीक है, लोगों को उस पर जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही, उनका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो भी चीज़ें उन्हें ध्यान देनी पड़ेंगी, सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो। ठीक है, अब इसको डेवलपमेंट हमने कर लिया तो उसको मीज़र कैसे करते हैं, हम मीज़र करते हैं HDI से। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक तरह की, मान लीजिए एक तरह का स्केल है जो 0 से 1 तक जाता है। इस स्केल में हमें नापना होता है कि हम कहाँ पर लाए करते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं आगे, तो UNDP जो है हमारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसने पहली बार अपनी HDI रिपोर्ट 1990 में रिपोर्ट जो पब्लिश की थी, ठीक है, तो पहली HDI रिपोर्ट थी, 1990 में आई थी, UNDP ने पहली अपनी HDI रिपोर्ट निकाली थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्लस उसके साथ ही जो SDR जो होता है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये R से जगह रिपोर्ट है, ठीक है, I इंडेक्स होता है, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट की बेस्ड पे इंडेक्स पे हमारा जो कहाँ पर मिलाया करते हैं वो देखा जाता है। ठीक है, मीजर्स डेवलपमेंट बाय कंबाइनिंग द 3 इंडिकेटर्स। ठीक है, तो जब हमारी जो SDR रिपोर्ट बनाई जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें से 3 चीज़ों वो जो हमारे हैं वो उन पर फोकस किया जाता है, पहला हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, यहाँ पर हम इकोनॉमी ग्रोथ या GDP की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हेल्थ, लोगों की हेल्थ पे, प्लस एजुकेशन की टोटल लोग कितने पढ़ रहे हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लोगों का। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ह्यूमन डेवलपमेंट देखा जाता है। जैसे आपकी हेल्थ, आप मान लीजिए घर में रह रहे हैं तो आपकी हेल्थ, आप कहाँ तक पढ़े हैं, प्लस आप कैसी जगह पर रहते हैं, कैसे रह रहे हैं, तो वही हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है SDI सेट्स अ मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर ईच डायमेंशन कॉल्ड गोल पोस्ट। ठीक है, और जो हमारी SDI होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, बोथ डायमेंशन पर फोकस करती है, ठीक है, 0 to 1 पर। और आपको याद रखना है जो SDI का जो स्केल होता है ना वो 0 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, इसी के बीच में सारी कंट्रीज लाई करती हैं, 0 से लेके 1 तक उन्हें कितना है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, और वो हमारा गोल पोस्ट कहलाता है। ठीक है, ये गोल्स हैं हमारे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा मैक्सिमम गोल है, ये हमारा मिनिमम गोल नहीं होगा, यहाँ से तो लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे पॉइंट्स में, पहला पॉइंट हमारा ये, सेकंड पॉइंट हमारा, और थर्ड पॉइंट हमारा एजुकेशन है, जो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। इन 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे कि 3 इंडिकेटर्स क्या करते हैं, क्या इनका काम है। ठीक है, तो अगर बात करें हम हेल्थ की, तो हेल्थ कंपोनेंट इज मेजर्ड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कंपोनेंट ऑफ द HDI एंड कैलकुलेटेड यूजिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 83.57 ईयर्स। ठीक है, तो जो हमारी हेल्थ है, ठीक है, पहले तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारी बर्थ पे कंपोनेंट होते हैं उस पे बेस्ड होती है। ठीक है, कि कितने लोग कितने पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं। ठीक है, प्लस वो प्लस उनकी जो हेल्थ जो देखी जाती है वो 20 ईयर से लेकर 83.57 ईयर्स तक देखी जाती है। ठीक है, 20 साल से पहले के बच्चों का ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, 20 साल के बाद जब वो टीनेजर से आगे निकल आते हैं, एडल्ट पे आ जाते हैं 20 ईयर से ऊपर, तब उनको देखा जाता है, तब उनकी जो है ना वो कैलकुलेशन, उनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, SDR के लिए। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वही कि पैसे वाला कैसे रह रहा है और गरीब कैसे रह रहा है। ठीक है, आप घर में रह रहे हैं या झोपड़ी में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड बाय द GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, पर कैपिटा एट PPP। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारा जो है वो मेजर्ड बाय GNI होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम जो होती है हमारी, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, हमारी जो ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया, ग्रोस नेशनल का इनकम, या इसको हम GNP भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, कि हमारा टोटल जो हमारा टोटल नेशन है हमारा, वो कितना हमारा जो पर कैपिटा इनकम, या पर मतलब कह देता हूँ PPP भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, पर पर्सन जो हमारी वो होती है प्रोडक्टिविटी, वो कि टोटल हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, ग्रोस मतलब क्या होता है हमारा, टोटल।
नेशनल हमारा नेशनल हो गया और इनकम, ठीक है, टोटल नेशनल इनकम जो हमारी होगी या हम कितना पूरा एक साल के अंदर हमारा जो कंट्री है वो कमा रहा है, ठीक है, ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, अगर कम कमा रहा है डिक्रीज हो रहा है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और पर यहाँ पर हम पर कैपिटा भी आ जाता है, पर कैपिटा का मतलब है कि पर पर्सन से, ठीक है, हम पर पर्सन कैलकुलेट करते हैं वो भी 20 ईयर्स से लेके 83.57 ईयर्स के बीच में, ठीक है, और पर एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा गलत आ सकता है क्योंकि हम इतने सारे लोग हैं, 125 हमारे लगभग 125 करोड़ के करीब हमारी जो पॉपुलेशन है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट, वो आता है हमारा एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन मैंने यहाँ पर लिखना मैं थोड़ा भूल गया, पर आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि एजुकेशन आप सीधा ये समझिए कि मान लीजिए कि हाई स्कूल में 100 बच्चे थे, ठीक है, वो पढ़ रहे थे, तो उन 100 में से कितने लोगों ने हाई स्कूल से आगे पढ़ाई स्टार्ट कर दी, वो हमारी एजुकेशन कहलाती है, ठीक है। तो एजुकेशन एक्सपेक्टेंसी हमारी एजुकेशन होती है, ठीक है। तो ये टोटल 3 इंडिकेटर होते हैं हमारे, जिसको लेकर जो हमारे SDR रिपोर्ट बनाई जाती है, और फिर उस SDR रिपोर्ट के बेस्ड पर कंट्रीज को उस इंडेक्स उस स्केल के अंदर पुट किया जाता है, ठीक है, टोटल 0 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है। और कैसे कैसे उनको कैटेगराइज कर दिया गया वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो पहला है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं, ठीक है, थीके? तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज कौन सी हैं, जो बहुत ही हाईली डेवलप्ड कंट्री है, जिनकी जो रेटिंग होती है ना वो 0.800 से लेकर 1.00 पॉइंट तक होती है, ठीक है। उसके बाद आता था हमारा मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, जो हमारी 0.5 से लेके 0.799 के पॉइंट्स के बीच में होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, जिनकी मतलब जो SDR रिपोर्ट में होती है वो बहुत डाउन होती है, लेवल्स उनका बहुत नीचे होता है, वो 0.00 से लेके 0.499 तक होती हैं, ठीक है। तो ये इनकी कैटेगराइजर की, हायर लेवल की, ये मीडियम लेवल की और ये लोअर लेवल की, ठीक है। तो आपको याद अगर पूछ लिया जाता है कभी कभार कि SDR में जो हायर डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं उनकी रेंज कितनी होती है, ठीक है, मीडियम रेंज कितनी होती है, लोअर रेंज कितनी होती है, ठीक है, और हेल्थ कंपोनेंट के लिए एज कितनी कितनी, मिनिमम एज कितनी है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ हमारा बेस आता है, ठीक है, SDR में कौन कौन से 3 इंडिकेटर्स हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये हमारा बेसिक है, आने वाले टॉपिक्स पर बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है, लाइक ज़रूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाल बटन होगा नीचे, प्लस अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर आ जाइए SSC MINDSET, वहाँ हम और ज़्यादा बात कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।